नमस्कार, मैं हूं पूजा शुक्ला और आप देख रहे हैं चेन्नई से। बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। श्री राम वृंदावन सोसाइटी के शिवसेना विभाग प्रमुख अमित जायसवाल पर पूर्व रंजिश के कारण चाकू से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। यह घटना बुधवार देर रात को घटी। चाकू से हमला करने वाले का नाम अनिस उस्मान सैयद है और सैयद को उस दौरान वहां पर जमा कुछ लोगों ने पत्थर से मारा, जिसके कारण वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार थाने के बाजारपेट में गले के सामान का धंधा लगाने को लेकर शिवसेना विभाग प्रमुख अमित जायसवाल और उस्मान सैयद के बीच पिछले 3 से 4 महीने से विवाद चल रहा था। 4 महीने पहले इसी गले के विवाद को लेकर अमित जायसवाल ने उस्मान के लड़के अनिस सैयद की पिटाई भी की थी। इस प्रकरण को लेकर थाने नगर पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज हुआ था। यह विवाद बुधवार की रात फिर सामने आया और पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए उस्मान का बेटा अनिस सैयद, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, श्रीरंग सोसाइटी में स्थित शिवसेना शाखा के पास गया और वहां पर पहले से ही उपस्थित अमित जायसवाल पर चाकू से 3 बार वार किया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल अमित जायसवाल को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही हमले करने के लिए आया अनिस को शाखा के आसपास के लोगों ने देखा और उस पर वहां मौजूद एक समूह ने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, जिससे एक पत्थर अनिस के सिर पर लगा और वह गिर गया। इस घटना में वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया है और इलाज के लिए उसे कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि राबोड़ी पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर वारदात का मुआयना कर एक दूसरे के विरुद्ध मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।